माँ, आकाश में ये क्या टूट रहा है? प्रलय का पिंड। मित्रा, मुझे भय लग रहा है। तुम्हें? मैं माँ की शक्ति, और शक्ति को भय नहीं लगता। तुम भी भयभीत मत हो मित्र। माता, हमें इस विष उत्सर्जन को रोकना होगा। मुझे आज्ञा दीजिए, मैं अपने वज्र से इसे रोकने का प्रयास करता हूँ। नहीं देवराज, यह भूल कदापि मत कीजिएगा। शक्ति के प्रहार से विष उत्सर्जन की शक्ति में कई गुना वृद्धि हो जाएगी। जब स्थिति ऐसी है तो संसार की रक्षा कौन करेगा? हलाहल से संसार की रक्षा करने वाले तो केवल एक ही है देवराज। तो इस समय बालक बनकर महासती अनसुईया के पास है। देवराज इंद्र, भले ही महादेव अपने प्रेम और अपने दायित्वों को भूल गए हों, परंतु मैं नहीं भूली। मैं अपनी भूल का दंड इस संसार को भुगतने नहीं दूंगी। इस संसार के कण कण में मेरे महादेव विराजित हैं। मैं उस संसार का सर्वनाश कदापि नहीं होने दूंगी। मैं आदि शक्ति प्राणपण से संसार को बचाने का प्रयास करूंगी। इस विष के निकट मत जाना बहन पार्वती। इस विष का पान करने की क्षमता केवल नीलकंठ में है, अन्य किसी में नहीं। फिर भी मैं कैसे छोड़ दूं अपना दायित्व? नहीं त्याग सकती अपना प्रयास। अपने शिव के संसार को, जिन्होंने समुद्र मंथन के हलाहल को मेरे रोकने के उपरांत भी इस संसार की दशा देखकर बिना किसी की प्रतीक्षा किए विष पी लिया था। मुझे स्वयं का नष्ट होना स्वीकार्य है, परंतु इस संसार का नहीं। अब मैं तभी रुकूंगी जब महादेव यहां आएंगे, या फिर देवी अनुसुईया उन्हें यहां भेजेंगी, अन्यथा नहीं। मत भूलिए देवी कि आपके पुत्र से कहीं पहले ये त्रिदेव है। संसार के पालन करता और संकट हरता। एक आदर्श माता के रूप में आपके इस महान त्याग को ये संसार सदा स्मरण और नमन करता रहेगा। हाँ ऋषिवर, आज समाज के त्याच्चे को त्याग करने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। शिव, कहिए माँ। तू मेरी कोई भी बात का प्रतिकार क्यों नहीं करता है? खंड क्यों नहीं करता है? मेरी कोई भी बात का अवहेलना क्यों नहीं करता है तू? कैसे करूँ माँ, पुत्र का धर्म है माता पिता की आज्ञा का पालन करना। आप ही ने तो सिखाया है माँ, फिर कैसे अवज्ञा करूं मैं आपकी?
आज्ञा कीजिए माँ। शिव हर 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 चल लिया। मैं अभी लेकर आया माँ। कठिन मेरे त्रिदेव पुत्रों, तुम्हारी ये माँ जन्म जन्मांतर तक तुम्हारी ऋणी रहेगी। मैं सत्य जान गई हूँ महादेव कि जो होता है आपकी इच्छा से ही होता है। जब आपको मेरा पुत्र बनकर आना था तब वो घटना घटी थी, और आज जब आपको अपनी माँ से दूर जाना है तब ये घटना घट रही है। परंतु मुझे दुख नहीं है, क्योंकि आपकी इच्छा ही मेरी इच्छा है महादेव। भयभीत न हो अंधक, इस प्रलय की विस्फोटक ध्वनि से क्यों भयभीत न हो मैं गुरुदेव? संकट में तुम्हें हमने नहीं, तुम्हारे स्वयं के कुकर्मों ने डाला है। मेरे धर्म को कुकर्म कह के मुझे लांछित मत कीजिए गुरुदेव। जब आपको ज्ञात था कि इस प्रयास के उपरांत प्रलय की स्थिति होगी, तो फिर क्यों गुरुदेव किस लोभ वर्ष में आपने मुझे ये परामर्श दिया? मौन क्यों है? उत्तर दीजिए गुरुदेव। हाँ, लोभ था मुझे, लोभ था किस ब्रह्मांड से अनुपस्थित त्रिदेवों को वापस लाना। मुझे लगा था कि अमृत पर आए संकट के कारण त्रिदेवों की स्मृति वापस लौट आएगी और वो पुनः
अपने वास्तविक रूप में आ जाएंगे, किंतु मेरा ये प्रयास विफल रहा। मेरे महादेव की स्मृति वापस नहीं लौट पाई। महादेव, 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 महादेव की महिमा मंडन बहुत हो चुकी। यदि आप मेरे गुरुदेव ना होते तो मैं सबसे प्रबल शत्रु होता आपका। विश्वासघात, आपने विश्वासघात किया है। क्यों गुरुदेव, क्यों? राम अंधक, और जिसे तुम विश्वासघात कह रहे हो वो तुम्हारे आत्मघाती अंधकार का विकास हो, जैसे कुत्सित विचारों से तुम्हें निकालने की मेरी चेष्टा थी, जो विफल रही। किंतु अब सृष्टि के इस प्रलय को सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। माँ, आपकी आंखों में अश्रु क्यों है? क्योंकि शिव, आज सारा संसार संकट में है और उसे केवल केवल तू ही बचा सकता है। माँ, क्या आपको विश्वास है कि मैं संसार को बचा सकता हूँ? हाँ शिव, केवल तू ही बचा सकता है। आप अपने अश्रु पोंछ लीजिए, मैं ये कार्य संपन्न करके अपनी माता के पास शीघ्र लौटाऊंगा। मैंने कहा मुझे आज्ञा दीजिए माँ, जाऊंगा तभी तो वापस लौट के आऊंगा। मेरा शिव, ये क्या कह दिया प्रभु ने? जिसके लिए सदा से संसार सर्वोपरि रहा है, उसके लिए एक व्यक्ति महत्वपूर्ण कैसे हो सकता है? पता नहीं अब इसका क्या परिणाम होगा, क्या होगा संसार का। मैं जानती हूं शिव, तू मुझसे कितना स्नेह करता है, तभी तो मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहता है ना? हाँ माँ, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। मेरे पुत्र, मेरे जीवन का आधार, मेरा शिव, जब तक तू नहीं जाएगा मैं तुझे कहीं नहीं जाने दूंगी। क्षमा करे ऋषिवर, कृपा कर माता अनुसुईया को समझाइए कि इन्हें ना रोके, इन्हें जाने दे। इस संसार को विनाश लीला से बचाने हेतु इनका जाना अनिवार्य है ऋषिवर। देवी, ये समय ममता के प्रवाह में बहने का नहीं है, ये समय है शिव को
शिव के शिवत्व और उसकी शक्ति से परिचय कराने का। यदि यह संसार बचेगा तभी तो आपका वात्सल्य बचेगा ना देवी, और तभी तभी आप अपने शिव के साथ रह पाएंगी। मैं आपके कहने का तात्पर्य समझ गई ऋषिवर, कि मुझे अब क्या करना चाहिए। शिव, पूर्ण संसार संकट में है। मुझे संकट की बात स्मरण है माँ, आगंतुक ने यही बात कही थी। इसी प्रकार तुझे अपने उस विराट स्वरूप को स्मरण करना है शिव। मुझे आपके पुत्र के अतिरिक्त और कोई स्वरूप स्मरण नहीं है माँ। इसे ऐसा समझिए कि आपके सोए हुए बाल शिव के अंतर नहीं थी, देवाधिदेव महादेव की समस्त शक्तियां पूर्ण रूप से जागृत है। मैं तेरे स्वभाव को जानती हूं शिव, जिस भाव में ढल जाता है वही भाव तेरा स्वभाव बन जाता है, और स्वभाव बदलने में समय लगता है, परंतु अभी समय की मांग कुछ और है शिव। इस बाल भाव से बाहर आ जा, स्मरण कर अपने उस दिव्य विशाल स्वरूप को, स्मरण कर। प्रयास कर रहा हूं मां, परंतु स्मरण नहीं हरा। नंदी जी, आप मेरे पुत्र को इनके स्वरूप का स्मरण दिलाइए। हो सकता है आपके स्मरण दिलाने से इन्हें अपने स्वरूप का स्मरण आ जाए। कहिए मित्र। क्षमा करें प्रभु, मुझ में इतनी शक्ति का जो मैं आपको आपके असली स्वरूप का स्मरण दिला सकूं। मैं तो आपको केवल आपकी गाथा सुना सकता हूँ प्रभु। गाथा सुनना तो मुझे सर्वप्रिय है मित्र, सुनाइए। ये गाथा उस समय की है प्रभु, जब संसार पर ऐसा ही गहरा संकट छाया हुआ था। फिर क्या हुआ मित्र, संकट का समाधान कैसे हुआ? संकट के समाधान के लिए सभी देवता नारायण के पास गए थे, उनसे प्रार्थना की थी, तब नारायण ने उन्हें मार्ग दिखाया था प्रभु। देवगण अपने खोए हुए पुरुषार्थ श्री एवं स्वर्ग को पुनः प्राप्त करने का केवल एक ही उपाय है, समुद्र मंथन। आदेश शिरोधार प्रभु, हम समुद्र का मंथन अवश्य करेंगे। परंतु ये इतना सरल नहीं होगा देवराज, विशाल समुद्र का मंथन अकेले आप देवताओं के वश का नहीं है।
इस कार्य के लिए असुरों की भी सहभागिता अनिवार्य होगी। किंतु प्रभु, असुर तो हम देवताओं के शत्रु हैं। लोभ शत्रु को भी सहभागी बना देता है इंद्रदेव। मनोवांछित फल की प्राप्ति हेतु आपको सम्मिलित रूप से ही समुद्र मंथन करना होगा। फिर क्या किया देवताओं ने? देवताओं ने असुरों के साथ मिलकर समुद्र मंथन किया प्रभु। परंतु समुद्र तो विशाल होता है मित्र, उसका मंथन कैसे किया? मंदराचल पर्वत को मथनी बनाया और आपके गले में सुशोभित वासुकी नाक को रस्सी। पर जल में मथनी टिका कैसे? प्रभु, सब कुछ तो आप ही ने किया था। अब एक बार फिर से इस संसार को आपकी आवश्यकता है प्रभु। अगर आपकी स्मृति वापस नहीं आए तो इस संसार को प्रलय में विलीन होने से कोई नहीं बचा सकता।